सारे सबसे पहले हम फूड से ही लेते हैं, मोस्टली न्यूट्रिएंट्स जो हैं हम फूड से लेते हैं। तो पहले सवाल ये है कि अगर हम फूड ऐसा इंटेक कर रहे हैं जिसके अंदर जिंक जो है वो डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से हमारा माइटोजेनिक हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस होते हैं। जब माइटोजेनिक हार्मोन कम प्रोड्यूस होंगे तो सिग्नल ट्रांसडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो कम होगी। उसके बाद इसकी दूसरी चीज ये होती है कि अल्कोहल, अल्कोहल वैसे मुस्लिम मोस्टली यूज नहीं करते, लेकिन यूरोप वगैरह और कंट्रीज में जैसे यूज होती है, जो अल्कोहल ज्यादा यूज करते हैं उसकी वजह से भी जिंक की जो डेफिशिएंसी है आप में हो सकती है। उसके बाद ये डिफरेंट डिजीज होती है, लाइक लिवर डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, या और डिजीज होती है जिसकी वजह से आपकी यूरिन के जरिए जो ज्यादा जिंक जो है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद ये होता है कि प्रेगनेंसी टाइम या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत ज्यादा होती है, तो उस वक्त आपको अगर प्रॉपर आप फूड नहीं ले रहे आप कंप्लीट उसकी जो डेफिशिएंसी जो जिंक जिस फूड में है वो आप इंटेक नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी आपको जिंक डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आते हैं इसके सिम्पटम्स। सिम्पटम्स जो होते हैं वो किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने में की रोल प्ले करते हैं। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको सिम्पटम्स देखते हैं, तभी आपको मतलब फर्स्ट मेडिसिन जैसे कहले दे देते हैं। तो सिम्पटम्स में सबसे बेसिक जिसका मेन सिम्पटम आपका जो वाउंड हीलिंग है वो लेट हो रही होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। उसके बाद इसमें ये होता है कि आपका मतलब ग्रोथ में भी ये प्रॉब्लम कॉज कर रही होती है। उसके अलावा आपके एक सिम्पटम ये होता है कि आपके नेल जो है उनके यहाँ पर डॉट व्हाइट कलर के आ जाते हैं, ये भी जिंक डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है, और हेयर लॉस हो जाती है, आई प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद गर्ल्स में होता है मोस्टली यहाँ पे स्किन पे।